हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं GTA Vice City। जैसा कि आप लोगों को याद होगा, पिछले वाले एपिसोड में हमने वाइस सिटी में एक घर खरीदा था और हम इसी इस वक्त उसी घर में है भाई, उसी बालकनी पे खड़े हैं और नज़ारा तो वही देख रहे थे। तो चलो गाइस, फटाफट चलते हैं, अब करने में बुलाया पता नहीं क्यों, तो फटाफट उसके साथ उसके पास चलते हैं और मिलते हैं भाई। क्या ही घर मिला है भाई हमको, बहुत मस्त, एकदम एक नंबर। तो भूल जा सकते हैं, ऑटोमेटिक सेंसर है भाई गैरेज के अंदर। तो ओके गाइस, चलो। ओ भाई, तुम्हारा ऊपर तो नहीं करना है। तो गाइस, चलो फटाफट करने के पास चलते हैं। सबसे हार्डेस्ट मिशन था भाई। तो क्या है, चलो बात करते हैं कैरियरी से। वही यार तो बंदा, ये कोई अलग बंदा बैठा है इस दिन भाई, उसको सेटअप बोल रहा है। तो गाइस, चलो टपट में कपड़े करेंगे भाई, पता नहीं क्या क्या मिशन देता है ये भाई। गाड़ी को धक्का लगाना पड़ेगा भाई, ये तो खंबे में फंस गए हैं। चलो फाइनली बाहर आ चुके हैं। तो गाइस, ये कह रहा है कि उस वॉशिंग की वाइस सिटी पॉइंट में वॉशिंगटन में एक बंदा रहता है, उसने इसको कुछ क्या करा है पता नहीं, सबको पता नहीं, कुछ बिगड़ा रखता है। तो हमें जाके और उनको मारना है। वो बहुत बंदा है भाई, वो तो बहुत बड़ा गैंगस्टर लगता है। चलो पटापट करते चंदर के, हमें उसको उसको लगना चाहिए कि हम दूसरे गैंग का बंदा, इसलिए हम दूसरे गैंग का कपड़े खरीदकर उसको मारने चलते हैं। तो भाई फटाफट बंदा ने कपड़े का लोकेशन वोकेशन कर दिया है। चलो फटाफट उधर चलते हैं और कपड़े खरीद कर उसको मारने चलते हैं। भाई इधर देखो, अक्सर का है लोग लगाए। ओके गाइस, फाइनली वो लोकेशन पर आ चुके हैं। फिर से नहीं आई हुए कि गाड़ी को सर निकाल कर देते हैं आराम से इस साइड ऊपर लगता है इसको। तो ओके गाइस, ये देखो भाई कपड़ा कैसा है, ये इसी शॉप पर मिलता है, सिर्फ इसी शॉप पर। चलो लगता है वो बंदा किसी के साथ मीटिंग कर रहा है। तो चलते हैं फटाफट इधर से, राइट लेने वो भाई टूट गया। वो भाई उधर को, तू इधर गाड़ी राइट कर देते हैं। पहले स्नाइपर से देखूंगा भाई क्या क्या कर रहे हैं लोग, वह तो स्नाइपर से ही मारने की ट्राई करूंगा भाई। कौन है बंदा? ओ भाई इधर एक खड़ा है। चलो वो भाई इसको नहीं गिर रहा, ये कार ले बेटा। अरे ओ भाई गाड़ी में ही आग लग गई, इस गाड़ी में आग लगने के लिए ब्लास्ट हो गया।
भाई गाड़ी पर चलना होगा, हमें जो गाड़ी पास करनी है। अच्छा वो हमें पता नहीं लगा कहाँ से आ रही है। ओ भाई चल कर फटाफट कुछ घूम लेते हैं। ओ भाई टक्कर मार, वो बच्चे नहीं तो इसके साथ ही मेरा गाड़ी भी ब्लास्ट हो जाता। ओ भाई ये बहुत भाई अभी जाके आग बुझ चुकी है, पता नहीं भाई क्या चीज़ है, गिराते गिराते जा रहे हैं, उसे टक्कर मारे तो आग जहाँ लग रहा है गाड़ी में। वो है ना बहुत बंदा डेंजर बंदा बंदा है ये तो। अरे वो ये क्या चीज़ भाई मुझे तो पता नहीं लग रहा है, तो एक कार जो आया था तो भाई इसको दोनों टायर पंचर है यार, और वो फिर भी कुछ हो रहा है जो उसके पीछे नहीं था, पता नहीं क्या क्या गिरा था जैसे वो का मार तो ब्लास्ट था उसमें हो जाए ये किसी। ओ भाई वो तो भाग रहा है नहीं पर से देख लेते हैं। ओ भाई वो तो भाग रहा है, फटाफट गाड़ी निकालना पड़ेगा आराम से भाई, भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बंदा तो मर चुका है, एक और बच्चा है उधर वो भाग रहा है, आराम से मार देंगे एकदम सही लेन पास भाई। इसके पास M4 पड़ी है उठा लेता हूँ, पता नहीं क्या काम आने वाला है। भाई मेरा गली वो तो गली, चलो भाई फटाफट चलते हैं कर्नल के पास। गाड़ी का हालत देखो है, आगे को बोनट नहीं है, पिछले गाड़ी की डिक्की ही ये चाल वर्क है, मतलब कोरोना कुछ भी होता है यार इसके। ओके गाइस चलो फिर चलते हैं उसके पास, पता नहीं क्या वो क्या बोलने वाला है, हम क्या कर रहे हैं। वो इसके बारे में ये कंधा लगा रहा है कहीं तक के होंगे, सभी कंधे में नहीं गिरा है भाई। हम सर सीधा चलो मैं यहाँ पर राइट मैं तरफ चलते हैं उसके साथ चलते हैं। तो भाई क्या इस इतने से रास्ते पर दो दौर लगे भाई, नहीं टुक नहीं टुक बच गए। इधर आ बैठा इधर आ रहा इनको नहीं छोड़ना मैं भाग गया तो ब्लास्ट हो गए दोनों ही ब्लास्ट हो गए, पता नहीं भाई किसके कॉल आ रहा था। चलो फिर सभी से करेंगे फटाफट करने के पास चलते हैं। हो गई अभी जिंदा आएगा अभी जिंदा है, मैंने सोच रहा था मैं गया तो ओके गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं और गाड़ी में दुबाने के। ओ हो फिर से कॉल आ रहा भाई, ये लियो कौन, ओ भाई ये लियो वो चफ चफ को हमने मारा था उसी बंदे को कोई कॉल करके बोला है भाई तुम कहाँ हो, तुम्हें आके कसम ने कहा से काम है भाई, वो तो हम उसको किल कर चुके हैं हम लोग। उसका भी एक मिशन आ गया, तो क्या मेरा कडल से बात हो चुकी है। वो भाई ये कह रहा है कि हमें एक मिलिट्री टैंक को चुराना चाहिए, भाई क्या बोलोगे, कुछ ही मिलते हैं मिलिट्री का बंदे होकर हमें मिलिट्री का टैंक चुराने को कह रहा है। तो चलते हैं भाई, वो जो लेटर लाओ मैंने आई थिंक रिटर्न आया हुआ है उसे हम स्पॉट लोकेशन से फटाफट सीधा चलते हैं और देखते हैं भाई ये हम मिशन पास होता है कि नहीं, क्योंकि मिलिट्री टैंक कोई ऐसा भी नहीं होता भाई। तो चलो भाई इस फटाफट सीधा चलते हैं और मिलते हैं भाई उनको।
यही तो है, आगे से आने नहीं है बटन। आई थिंक मेरी मतलब से, हाँ भाई इधर से जाने वाले। पहले उस टैंक को सिक्योरिटी को देख के आते हैं भाई, क्या पता बाद में बहुत सिक्योरिटी ऐसे है। ओ भाई गाड़ी में सही कर दो, कौन रहा पहले इधर। चुपके चुपके तो नहीं देखूंगा, नॉर्मल देखूंगा मैं। वो भाई ये दो तीन आगे पीछे दो भाई, वो उसके साथ सोल्जर भी, और इसने तो सोल्जर बढ़ चुके हैं मेरे को। वो भाई ये तो हमें हटने के लिए कह रहे हो कि भाई चलो 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 तुम लोग चलो। मैंने सिर्फ देख रहा था भाई, कुछ भी नहीं कर रहा था सर। तो चलो गाइस फटाफट उसके चलते हैं। और ये टैंक अब कहीं नहीं रुकने वाली, सिर्फ एक डोनट की शॉप में, डोनट की शॉप में ही रुकने वाली। तो उस टाइम टैंक में हुआ ड्राइवर में निकल के बाहर जाके डोनट लेके आने वाला है, उसी वक्त हमें टैंक को लेकर भागने भागने का ये सब भी प्लान है। देखेंगे इधर इधर ही बर्गर डोनट का शॉप। ओ भाई क्या प्लान है भाई इसका करने का। तो वो गेट सम डोनल्ड सोल्जर होके भाई वो चल चुके हैं, देखेंगे पहले क्या करते हैं। वो भाई ये तो हमें हटने के लिए, वो भाई ये तो डोनल्ड लेके आ गया। हम स्लॉट डोर लॉक कर दें क्या है ये तो? नहीं भाई हम डोर अनलॉक कर। तो गाइस फाइल अब पटाखा फाइल शुरू हो गई। अभी अभी एक लोकेशन भेजा है, तो हम इसे हमें जाए हमें जाकर एक इधर आगे वाले कट से राइट लेकर फिर यू टर्न लेकर मारना है। तो हमें एक बड़ा सा गैरेज मिलेगा, तो हमें इस टैंक को उसके अंदर पार्क कर देना है। पता नहीं भाई टैंक को लेकर वो करेगा ओके, जितना क्या है हम उतना करेंगे। तो चलो भाई सुबह ये डी रोटेशन होने वाली है, इसके अंदर क्या बताओ जाकर पार करना है भाई। तो फटाफट चलते हैं, ये लोग क्यों होते हैं इसके सारे ब्लास्ट हो जाएंगे, पैंजर को कुछ भी नहीं होगा। दे दे कोई पुलिस बीच रोड में क्लियर स्टार है भाई, इसका गाड़ी देखते हैं जैसी आई थी वैसी गई। गैरेज ये तो बोला तो बड़ा बड़ी गैरेज है, इतनी छोटी ये भाई अंदर से बड़ी है भाई। ये तो अंदर से ऐसे तीन टैंक अंदर आ जाएंगे। तो ओके गाइस फाइनली मिशन कंप्लीट हो चुकी है। तो भाई बड़ा मुश्किल मुश्किल सा मिशन था भाई। तो वो भाई क्या कहूँ इसके बारे में, और देख देखो पुलिस भाई इसमें भाई अंदर तो नहीं आएगा ना ये तो? नहीं भाई अंदर तो नहीं आएगा। तो भाई गाइस ये स्टूडियो कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।